तो आज से हम शुरुआत करेंगे रीअरेंजमेंट द सेंटेंस, जो कि आजकल की एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, अभी जैसे PNST का जो एग्ज़ाम हुआ था ना आपका लास्ट टाइम में, उसमें 7 to 8 मार्क्स के आए थे। अभी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 7 से 8 नंबर के आए थे। तो आजकल इसका चलन चल रहा है, जैसे वो आज वो रहता है ना, आजकल क्या चल रहा है वैसा हमको भी चलाना पड़ता है ना, तो उसी प्रकार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा हीरालाल जी, कैसे हैं आप? अरे वाह यार, बहुत दिनों बाद मैसेज किया, चेहरा याद आ गया मेरे को आपका, चिंता मत करो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, आज हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट द सेंटेंस, है ना। पहले इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर बात आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब मैं, होता क्या है कि जो PQRS वाले सेंटेंस होते हैं, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस आपको पहले बता देता हूँ, ये देखो। इसमें क्या होता है कि आपको 4 सेंटेंस दिए हुए रहते हैं, 1 2 3 4, तो ये या तो PQRS करके दिए हुए होते हैं, या फिर ABCD करके दिए हुए होते हैं, है ना। अगर ये आप यहाँ से एक बार पढ़ के ही चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको करना कैसे है। अब इसको करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि रीड द जम्बल्ड सेंटेंस। इसको जम्बल्ड सेंटेंस भी बोलते हैं, इसको पैरा जम्बलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको रीअरेंजमेंट द सेंटेंस बोलते हैं, इसको PQRS बोलते हैं, इसको ABCD बोलते हैं, बहुत सारे नाम से इसको बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास सेंटेंस आ जाए तो उसमें रीड द जम्बल्ड सेंटेंस विथ प्रॉपर फोकस एंड एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार आपको पढ़ना है। पहले 2 बार क्यों पढ़ना है? दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द पैराग्राफ एंड दस इट विल बी ईजियर टू अरेंज द सेंटेंस आफ्टरवर्ड्स। मतलब कि जब आप उस चीज को 2 बार पढ़ते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि उसकी थीम क्या है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, और जब आपको उसकी थीम पता चल जाती है तो सेंटेंस को रीअरेंज करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना है, उसको 2 बार पढ़ना है। चलिए पहले सेंटेंस से शुरुआत करते हैं और इसको 2 बार पढ़ के देखते हैं। पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, पहले चारों सेंटेंस को 2 बार पढ़ेंगे, वैसे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। फेमस सिम 4000s of years, अच्छा हजारों सालों से। फेमस सिंबल्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, अच्छा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एंशियंट सिविलाइजेशन की बात हो रही है। मॉन्यूमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड, मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं ना, है ना, जैसे कलाकारियां जो होती है, एंड दे आर ऑफन द मोस्ट ड्यूरेबल। तो मुझे तो एक बार ही पढ़ के समझ में आ गया कि ये कहना क्या चाह रहा है। मैं अभी पहले आपको सिंपल से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे, एक और आपको बात बताता हूँ, इसमें अगर सेंटेंस बहुत बड़े बड़े भी होते हैं ना तो भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आगे से ही सोल्व हो जाते हैं वो। मतलब आप ऐसा मत समझना कि जैसे मान लो दो दो तीन तीन लाइन के आ गए तो उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा कभी नहीं पढ़ना पड़ता है, अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ पता हो तो, है ना। तो इसको ध्यान से सुनो, अब इसमें कौन सा आएगा ये चेक करना है। तो देखो सबसे पहले हमने इसको एक बार पढ़ लिया तो हमारे समझ में आ गया। एक बात बताओ, क्या किसी सेंटेंस की शुरुआत फोर से होती है? फोर एक प्रिपोजिशन है, सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है। क्या फेमस सिंबल से होती है? क्या ये कोई सब्जेक्ट है? जी नहीं। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है मॉन्यूमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें एक और चीज़ की जानकारी होनी चाहिए PQRS करते समय, और वो चीज़ होती है ग्रामर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो इसका आंसर सबके आ गया होगा, मुझे पता है, देखते से आ गया होगा, क्योंकि मैं सेंटेंस ही ऐसा लेके आया हूँ कि कोई भी कर देगा। तो पहले इसको समझो चीज़ को, हैव बीन क्रिएटेड जो है, मुझे सबको लेके चलना है। दो प्रकार, 3 प्रकार के स्टूडेंट हैं, एक वो जो देखते से ही समझ जाते हैं, दूसरे वो जो थोड़ा वो मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि ये होगा वो, और एक तीसरे जिनको समझने की आवश्यकता है। तो मैं थर्ड वाले से शुरू करता हूँ, तो मेरे को पूरा समझाना पड़ेगा। ये जो हैव बीन क्रिएटेड है, ये मैंने आपको समझाया था PSU में, तो अगर ये चीज़ आपको पता चल जाती है तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बात पक्का पता चल गई कि पहला सेंटेंस आर है, तो अधिकतर केस में क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाता है। कैसे? आर कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है? नहीं। यहाँ आ रहा है? नहीं। यहाँ आ रहा है? नहीं। तो यहाँ आ रहा है मतलब कि ये इसका सही जवाब है,
वैसे ही पता चल रहा है, बात समझ गया। तो कई बार एग्जाम में ऐसा होगा कि अगर आप पहला सेंटेंस पकड़ लोगे तो भी आपका एक नंबर पक्का, क्योंकि वैसे भी ये एक नंबर में ही आएगा। मतलब इसमें अगर आपको छह सेंटेंस भी दे देंगे तो छह सेंटेंस में क्या होता है कि पहला और लास्ट वाला सेम रहता है, बीच के चार चेंज होते हैं, समझ गए। पहला हमेशा फिक्स रहता है, छठा हमेशा फिक्स रहता है, बीच के चार उथल पुथल रहते हैं। तो यहाँ पर कई बार तो ऐसा होता है कि अगर पहला सेंटेंस आप पकड़ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका यहाँ से जमा लो कि आर कहाँ आ रहा है। बहुत सारे को अभी ये भी नहीं पता है कि ये करते कैसे हैं, है ना, ये है क्या ये भी नहीं पता है, तो इसलिए मैं आपको पूरा अच्छे से ही बता रहा हूँ। अब इसके बाद बात करें कि मान लो आर आर दो तीन बार आ जाता है, तो इसके बाद वाला सेंटेंस कौन सा होगा। तो देखो इसके बाद वाला सेंटेंस पढ़िएगा आप, मॉन्यूमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड एंड, अब डायरेक्ट एंड दे आर ऑफन द मोस्ट ड्यूरेबल, तो डायरेक्ट तो ये नहीं आएगा, मॉन्यूमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आएगा एंड दे आर ऑफन द मोस्ट ड्यूरेबल एंड फेमस सिंबल। तो कई बार क्या होता है आपको यहाँ से भी कनेक्ट करना पड़ता है कि जैसे इस एंड के बाद क्या डायरेक्ट फोर आएगा, एंड फोर का कभी कनेक्शन होता ही नहीं है, तो एंड के बाद क्या आ जाएगा, फेमस सिंबल। तो इस तरीके से आप जमा सकते हैं। बोलो एक समझ में आ गया, ठीक है आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगला जो रूल है इसका वो देख लेते हैं एक बार, देखो क्या है। अगला है कि ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस विल स्टार्ट विथ अ फैक्ट, इश्यू, आइडिया, नरेशन या कोट। कई बार जो सेंटेंस होते हैं वो किसी फैक्ट से, किसी इश्यू से, आइडिया से, नरेशन से, कोट से शुरू होते हैं। और एक और बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस की शुरुआत एक सब्जेक्ट से होती है। कई बार आ जाता है बिकॉज, बिकॉज से सेंटेंस शुरुआत नहीं होती है। कई बार आ जाता है फॉर, आफ्टर, इन, इनटू, तो ये चीज़ें हमेशा एक दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करती है। आफ्टर फिक्सिंग योर फर्स्ट सेंटेंस, जब आपका फर्स्ट सेंटेंस फिक्स हो जाता है, मूव ऑन टू द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, फिर आपको पैराग्राफ की बॉडी को देखना है कि कौन किसके बाद में क्या आएगा, शुड मेनली इंक्लूड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक्स, इश्यू और प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आ गया वैसे तो। अब अगला सेंटेंस आपको देता हूँ, आराम समझ में आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूँ, आप आराम से कर लेंगे क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट हैं। अब अगला प्रश्न मैं आपके हवाले करता हूँ और जल्दी से बताइए या सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा। अब आपको ये भी पता है कि किससे सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है इन चारों में से, बोलो करो आप। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें क्योंकि बहुत सिंपल है। ना? देखो इसमें ऐसा है, सबसे पहले मैंने यहां देखा इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स, तो इज वन ऑफ द क्या, इज वन ऑफ द मतलब पहला सेंटेंस तो ये है ही नहीं पक्का, मतलब ये वाला तो पहले ही कट्टस हो गया। दूसरा फिर ऑफ से शुरुआत कर रहा है, ऑफ वाला सेंटेंस मतलब क्यू वाला भी पहला नहीं है, तो ये भी कट्टस। दो ऑप्शन तो मैंने वैसे ही काट दिए, अब बचे मेरे पास दो जिसमें मैंने देखा कि शुरू में दोनों में एस आ रहा है, तो इसका मतलब कि पहला तो पक्का एस ही है। तो एस कहाँ है कि द कन्वर्सेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके बाद में आर लूं क्या, देखो वापस से पढ़ो, द कन्वर्सेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर असेसिंग, फॉर असेसिंग इसके बाद थोड़ी आएगा, जब आपके पास में सब्जेक्ट है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, आपको ये समझना पड़ेगा। वापस से देखो कि ये जो द से जो शुरू हो रहा है, द कन्वर्सेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में आता है प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में जो पहला हम लेते हैं वो लेते हैं वर्ब, पहला वर्ब लेंगे, वर्ब कहाँ आ रहा है, वर्ब यहाँ आ रही है। तो द कन्वर्सेशन स्टेटस ऑफ प्लांट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज इंडिकेटर्स। एक और मैंने आपको स्कीम बताई थी अगर आपको याद हो, कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल होता है, और ये जो वन ऑफ वाला सिस्टम होता है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है। देखो कैसे, जैसे इस पूरे सेंटेंस को आप राम मान, इस पूरे सब्जेक्ट को आप केवल राम मान के चल लो, तो राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, जम गया। तो ये इस प्रकार से ग्रामर के नियम, जिनको अगर ऐसा लग रहा है कि हम बिना ग्रामर पढ़े
पी क्यू आर एस करेंगे तो दिक्कत आएगी आपको, पहले ग्रामर अच्छे से करनी पड़ेगी ताकि आपको नियम पता चल जाए कि किसके बाद में कौन सा आना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा एस पी आर क्यू, और देखो यहाँ पर एस पी क्यू आर भी आ सकता है एग्जाम में। तो वन ऑफ द यूज्ड इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स के बाद में ऑफ आता है कि फोर आता है, तो इंडिकेटर्स फॉर असेसिंग, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिस्ट नहीं होगा, तो इसके बाद में आ जाएगा आर, आर के बाद में आ जाएगा क्यू। बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ाते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। पहले मैं आपको बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सोचिए और बताइए। अच्छा, इसको करने में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा आपको, है ना? जो ग्रेड वन का जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें भी आए थे ये, ग्रेड टू का हुआ था उसमें भी आए थे, और अभी फिर से आएंगे, क्योंकि ये एग्जामिनर वो चीज़ देता है जिसमें वो पता लग सके कि किसको पढ़ते आती है इंग्लिश, क्योंकि ये वही कर पाएगा जिसको सेंटेंस की समझ है ना? और सेंटेंस की समझ आपको तो बहुत अच्छे से है क्योंकि आप सब स्मार्ट हैं। तो देखो अच्छा, जब मैं तारीफ करूँ ना, जब मैं तारीफ करूँ तो उसको एक्सेप्ट कर लिया करो, ठीक है? हाँ, ऐसा ऐसा नहीं सोचना मन में, बस जैसे बहुत सारे लोग देखे मैंने, सर हम कहाँ इंटेलिजेंट, वो आदमी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, समझ गए? जैसे कोई आपको बोले ना, अरे आप तो पैसे वाले हो, तो उसको यूँ बोलो, हाँ ऐसे यूँ नहीं बोलना, अरे हम कहाँ पैसे वाले, ठीक है? हाँ बोलना, हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, तभी तो बनोगे, हाँ बोलोगे तो, पहले से कहाँ से बन जाओगे? अब यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस क्या है, मुझे समझ में आ रहा है फोर से नहीं होता है, इससे नहीं होता है, इन्वॉल्व्स तो एक वर्ब है इससे भी नहीं होता है, इसका मतलब सेंटेंस कैसे होता है शुरू? सेंटेंस होता है शुरू द प्रैक्टिस ऑफ अ प्राइज स्कीमिंग, इसका मतलब क्यू से हो रहा है, क्यू कहाँ आ रहा है, क्यू यहाँ आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर दो चीज़ें देखो समझने की कोशिश करना, द प्रैक्टिस ऑफ अ प्राइज स्कीमिंग के बाद में बहुत सारे लोग इज भी लगा देते, जैसे ऑप्शन मान लो एक और आ गया, दो क्यू वाले आ गए, और एक बार उसने दे दिया क्यू के साथ एस, एक बार दे दिया उसने क्यू के साथ आर। तो अब इसको समझना, द प्रैक्टिस और फिर लिखा हुआ इज लॉन्च्ड, तो प्रैक्टिस को कोई लॉन्च करता है क्या? करता है क्या? बोलो भाइयों और बहनों, क्या कोई करता है क्या? नहीं करता है, तो इसका मतलब कि ये नहीं आएगा। तो फिर तो द प्रैक्टिस ऑफ अ प्राइज स्कीमिंग इन्वॉल्व्स चार्जिंग अ रिलेटिवली हाई प्राइस, तो इसका मतलब क्यू के बाद आएगा एस। तो ऐसा नहीं है कि आप कह दो सर आपने बोला था सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब यहाँ भी आ रही है, भैया वर्ब आ रही है पर ये भी तो देखो कि वो वर्ब उससे जुड़ी हुई भी है कि नहीं है, वो भी चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है ना? तो इसलिए द प्रैक्टिस ऑफ अ प्राइज स्कीमिंग इन्वॉल्व्स चार्जिंग, उसमें इन्वॉल्व है चार्जिंग अ रिलेटिव हाई प्राइस, और फिर उसके बाद में आ जाएगा फॉर अ शॉर्ट टाइम वेर अ न्यू इनोवेटिव और मच इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। अच्छा, यहाँ पर एक और स्कीम बताता हूँ, मान लीजिए कि कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन को आगे से सॉल्व करने के बजाय पीछे से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि कहाँ गया वो, ये वाला हो गया था, उसके बाद में हाई प्राइस, और उसके बाद में आया था ये प्रोडक्ट, है ना? अब यहाँ पे देखो पीछे से कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट इसके बाद आप इधर से बताओ क्या आ सकता है, प्रोडक्ट द प्रैक्टिस, प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, या प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स, तो इसमें आएगा प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगता है तो वो पैसिव वॉइस बनता है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो खुद ही पैसिव है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट के बाद आ जाएगा इज लॉन्च। तो कई बार क्वेश्चन पीछे से भी सॉल्व होता है कि यहाँ पे आप देखो पी है तो पी के बाद आर आ जाएगा, मतलब आपको एक सेंटेंस को दूसरे से कनेक्ट करते आना चाहिए, समझ गए? है ना? मतलब किसके बाद में क्या, अगर आगे से नहीं जम रहा हो तो आप पीछे से भी उसको आराम से चेक कर सकते हैं कि इसके बाद में, और पीछे से पीछे पीछे मत चेक कर लेना, ऐसा मत करना स्कीमिंग मार्केट जम नहीं रहा सर, स्कीमिंग जाओगे तो फिर आगे जाना पड़ेगा, समझ गए? एक और करते हैं, अगला प्रश्न ये लीजिए। अब इस प्रश्न को कोई भी सॉल्व कर सकता है, चंचल,
थोड़ा डिफिकल्ट कराइए ना सर प्लीज। चंचल, हमारे से मंदसौर से इंदौर जाते ना हम, तो पहले जो है जावरा आता है, फिर रतलाम आता है, फिर इसके बाद इंदौर आता है। डायरेक्ट इंदौर में जैसे बस वाले के, तो बस वाले भैया प्लीज़ मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, पहले इंदौर ला दो ना। तो कहाँ से लाएगा वो? वो बोले भैया पहले जावरा ही आएगा, समझ गए, पहले इंदौर कहाँ से आ जाएगा। सब्र करो, थोड़ा सा सब्र नहीं होता है। बाय एन एम्परर नेम्ड शाहजहां। अब मैं देखो यहीं से समझ गया कि इसकी थीम क्या है, पहली बात तो ये। दूसरा, अब इसका सही क्या होगा? यहीं से समझ में आ रहा है, बाय से नहीं होगा, इन से नहीं होगा, ब्यूटीफुल से नहीं होगा, तो फिर गाइस से होगा, तो फिर क्यू से होगा। तो क्यू कितनी बार आ रहा है? क्यू 3 बार आ रहा है। ओ माई गॉड, 3 बार आ रहा है। अब आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, आपको पूरा ही चेक करना पड़ेगा। तो अब देखो, द ताजमहल इज, अब मुझे बताओ, इज अ इन मेमोरी। अब मुझे बताओ, क्या किसी आर्टिकल के बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आर नहीं आएगा क्यू के बाद, तो क्यू क्यू के बाद आर तो वैसे भी कहीं आ नहीं रहा है। क्या आ जाएगा? ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, है ना। तो इसका मतलब यहां पर आपका क्या आ जाएगा? क्यू के बाद एस आ जाएगा, ठीक है। बिल्ड इन 1633। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट, इन 1631। अब ये 1631 में बना था, तो अगला प्रश्न किसके द्वारा बनाया था? तो बाय एन एम्परर। ओ माय गॉड, है ना, बाय एन एम्परर। इसका मतलब कि क्यू एस पी। तो अब बताओ क्यू एस पी कहाँ आ रहा है? क्यू एस पी डी वाला ऑप्शन, ठीक है कि गलत हो गया? हाँ, गड़बड़ तो हो गई ना, हो गई कि नहीं हो गई? अब मुझे बताओ, देखो अब हो गड़बड़ क्यों हो गई? क्योंकि तीन तीन एक साथ दे दिए उसने। तो अब आप बताओ कि डी पक्के वाला या फिर बी पक्के वाला, बोलो। मतलब मैंने तो डी बताया है, पर ज्यादातर लोग आंसर बी आ रहे हैं। बी 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 बी, इतने लोग बी लगा रहे, वो भी इतने सड़े वाले में। वापस से देखो, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बिल्ड इन 1631, है ना। पहले बताना पड़ेगा किसके द्वारा? बाय एन एम्परर, समझ गए। यहाँ पे देखो, बिल्ड इन 1631 बाय एन एम्परर नेम्ड शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, समझ गए। बी नहीं आएगा, डी वाला आएगा, समझ गए। क्यू एस, उसके बाद में पी आएगा, फिर उसके बाद में आर आएगा। सही है। कौन कह रहा था अभी कि सर ये तो कठिन, ये तो सरल है, कठिन कराओ। तो इन के बाद आप जोड़ो, इन 1631 बाय एन एम्परर नेम शाहजहां, और शाहजहां ने किसकी मेमोरी में बताया था? इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, ठीक है, डी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं वही देख रहा, मैंने कहा मेरे को इतने सारे लोग बी आ रहे, क्या बात है। कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन भी हो जाता है आपको, मतलब क्या रहता है कि ऐसे केस में ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बाद क्या आएगा, है ना। तो इसमें जैसा आया कि भैया कुछ से 1631 में बना, तो किसके द्वारा बनाया गया, है ना, और क्यों बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लीजिए। सर थोड़ा कठिन कराओ ना सर प्लीज। पहले ये तो करो, अभी वो भी कराएंगे, चिंता मत करो, अभी यही चलेंगे। चलो आगे बढ़ाएं, पूरा सेंटेंस ही नहीं पढ़ा तो इतनी जल्दी कहाँ जाना था? क्या हुआ योगेश, नाम लिखते ही चिंता क्यों करते हो? हाँ, अगला प्रश्न पढ़िए जरा और बताइए इसमें क्या आएगा। अब देखता हूँ आप लोग क्या लगाते हैं। ए आ गया है भैया, वाओ। चलिए, ज्यादातर लोगों का आंसर ए आ रहा है। अब चेक करते हैं,
सबसे पहले एक बात तो पक्की है कि वॉज से और इन से और वॉज से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, मतलब सेंटेंस की शुरुआत होगी क्यू से। अब क्यू वाले मेरे पास दो, अब अगर मुझे केवल इतना पता चल जाए, है ना, केवल इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला है क्यों, तो उसी टाइप से केवल अगर इतना पता चल जाए कि क्यू के बाद एस आता है कि पी, तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, द गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद में वॉज डिजाइंड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट एंड, ठीक है, ये तो पी हो गया। और एक और चीज है, वॉज ओपन्ड एंड वॉज ओपन्ड फॉर जनरल पब्लिक इन द ईयर 1924। अब देखते हैं, ए इज राइट, ए इज राइट, ए इज राइट, ए इज रॉन्ग, बी इज राइट। ठीक है, देखो कैसे, एक बात बताओ, अगर आप लोग बोल रहे हो कि ए इज राइट, तो यहाँ पे समझना मेरी बात को, जो लोग बोल रहे हैं ए इज राइट, तो द गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये ले लेते हैं तुम्हारे हिसाब से, वॉज ओपन्ड फॉर जनरल पब्लिक, ठीक है, फिर वॉज डिजाइंड बाय, मतलब एक बात बताओ, जनरल पब्लिक के बाद फिर वॉज डिजाइंड कहाँ से आ जाएगा? जब आप दो एक जैसी वर्ब को जोड़ोगे, जब दो एक जैसी वर्ब को जोड़ोगे तो एंड की आवश्यकता पड़ेगी बीच में, नहीं पड़ेगी भैया? दो एक जैसी वर्ब है, जैसे राम प्लेड एंड कुक्ड, तो दो एक जैसी वर्ब को जोड़ोगे तो एंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है वॉज डिजाइंड और यहां पे लिखा हुआ है वॉज ओपन्ड, तो मुझे इन दोनों को एंड से जोड़ना पड़ेगा। तो पहले सेंटेंस लेना पड़ेगा एंड वाला, बात समझ रहे हो? तो एंड वाला सेंटेंस कौन सा है? एंड वाला सेंटेंस पहले ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं पी क्यू आर एस बिना बेसिक ग्रामर के दिक्कत करेगा, सड़ा से सड़ा सेंटेंस, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि द गेटवे ऑफ इंडिया के बाद में दो वॉज थर्ड फॉर्म है, तो भले मैं सेंटेंस नहीं भी पढ़ू तो भी बता दूं कि दो वॉज सेंटेंस को अगर जोड़ना है तो एंड की जरूरत पड़ेगी, तो एंड पहले आएगा इसलिए यहां एंड आएगा। तो वापस से देखो, द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज डिजाइंड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट एंड वॉज ओपन फॉर जनरल पब्लिक इन द ईयर 1924, और टाइम हमेशा लास्ट में आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात, मतलब एडवर्ब की बात करते हैं, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, उसके बाद टाइम आएगा, टाइम आखिरी आखिरी में आता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न ये लीजिए, प्रश्न क्रमांक 6, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पी क्यू आर एस वाले वीडियो आपके कोर्स में भी डलेंगे, ठीक है, तो वहां से भी देख लेना, जो भी कोर्स है आपके पास सभी में डलेंगे, ग्रामर के वाला पोर्शन है ये, है ना। हाँ अब मुझे बताइए इसमें क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। विश्वास, अब कमेंट देखना आंसर क्या आते हैं, ठीक है, पहले देखे नहीं होंगे, अभी देखना, देखे विश्वास क्या आ रहे हैं। सुरभि की दुनिया, सुरभि की दुनिया के लिए कि बहुत इजी थे ये 6 क्लास के। सुरभि इसका आंसर लिखना जरा, इसका आंसर लिखो। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नथिंग इज मोर कॉमन देन द आइडिया, ये फिक्स सेंटेंस है, इसको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती, ठीक है। उसके बाद में अगर आप दूसरा देखेंगे तो फिर आएगा आपके पास, नथिंग इज मोर कॉमन दैट द आइडिया ऑफ द 20th सेंचुरी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड द पीपल लिविंग दैट वी रुको, पहले वाला तो ये हो गया, उसके बाद में दैट वी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑफ द 20th सेंचुरीज आर एमिनेंट सेन। नथिंग इज मोर कॉमन देन द आइडिया ऑफ द 20th सेंचुरी
मेरे को भी देखना पड़ेगा ना चारों सेंटेंस, क्योंकि देखो लास्ट वाला सही है, मतलब ये जो लास्ट है ना ये फिक्स है, आर एमिनेंट सेन फिक्स है और पहले वाला फिक्स है, बीच वाले बस चेंज करना है। पहले तो पकड़ में आ ही गया कि नथिंग इज मोर कॉमन, तो इसके बाद देखिएगा नथिंग इज मोर कॉमन देन द आइडिया ऑफ द 20th सेंचुरी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, द पीपल लिविंग दैट वी, ये कौन बोल रहा है डी दैट वी आर एमिनेंट सेन, ये कौन बोल रहा है डी सही है? कुछ भी, हाँ बेटा क्या हो है क्या? डी रॉन्ग है, अब बोलो क्या करना। मैं बताता हूं इसमें देखो क्या आएगा, नथिंग इज मोर कॉमन दैट द आइडिया, आइडिया कौन सा आइडिया, दैट वी वी द पीपल लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑफ द 20th सेंचुरी आर एमिनेंटली सेन, मतलब ए वाला इसका सही जवाब। अब बोलो क्या नाम, विश्वास देख लिया था कौन सा आंसर आया था? तो इसका जिसने भी ए बताया उसका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब लोगों का गलत है। डी तो कहीं से कहीं तक हो नहीं सकता, डी में आप क्या बता रहे हो कि सेंचुरी से जोड़ रहे हो, फिर सेंचुरी से इन द वेस्टर्न वर्ल्ड और फिर डायरेक्ट द पीपल लिविंग, सेंटेंस ही उड़ा दिया फिर, ऐसा थोड़ी होता है। चलो अगला प्रश्न ये देख लो आंसर क्या आ रहा है, आंसर ए ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अब आप ही पढ़िए और आप ही बताइए, मैं भी पढ़ लेता हूं तब तक। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, देखो पहला और छठा फिक्स है, पहला और छठा बिल्कुल फिक्स है, थोड़ा सा समय लगेगा। वो कौन था जो कह रहा था सर थोड़ा टफ करा, वो है कि नहीं है? हाँ पढ़ लिया आपने आराम से, इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे मैं इस सेंटेंस को आपको लास्ट से करके बताता हूँ ठीक है। देखो ये सेंटेंस तो फिक्स हो गया, पहले मैं आपके आंसर देख लेता हूँ, सी 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 डी ए, कोई बेचारा बी भी लगा दो ये अकेला रह जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा इसको। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट से करके बताता हूँ आपको, देखो सबसे पहले इसमें द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत तो फिक्स हो ही गया ठीक है। अब देखिए एक चीज है, इंट्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे, देखो मैं आपको लास्ट से करके बताता हूँ, आगे से नहीं कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ, अब मुझे बताओ इंट्रोडक्शन ऑफ लीडिंग या इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया इंडिया कंपोजाइट या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फीचर्स, आप इन दोनों को जोड़ इन इसको जोड़ के बताओ कि इंट्रोडक्शन ऑफ के बाद क्या आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ के बाद आना चाहिए न्यू फीचर्स, मतलब न्यू फीचर का इंट्रोडक्शन करवाया गया इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसका मतलब एक चीज पक्की हो गई कि आर पी पक्का हो गया, समझ गए? तो आर पी यहां कहाँ आ रहा है, मतलब मैं इस सेंटेंस को पढ़ ही नहीं रहा हूं आगे से, मैंने तो बस एक गणित लगाया कि ऐसा कोई एक जोड़ा मिल जाए मेरे को, है ना, जैसे यहाँ पे वो चल रहा है स्वयंवर, जैसे बहुत सारे जोड़े हैं, एक जोड़ा मेरे को मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक जोड़ा मेरे को मिल गया, कौन सा, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फीचर, बात समझ रहे हो मेरी? तो इससे क्या पता चला मुझे, इससे पता चला आरपी। अब आरपी ढूंढता हूं, आरपी पहला तो यहां मिल गया, अब दो मिलेंगे तो मैं बात करूंगा, आरपी कहीं मिल रहा है कट्टस, कहीं मिल रहा है कट्टस, कहीं मिल रहा है कट्टस, खत्म पिक्चर, टाटा बाय बाय सी यू, बोलो समझ गए? परीक्षा में दिमाग की जरूरत है
है ना। तो ये आपका काम यहीं से हो गया कि इसका मतलब कि ये वाला सही है, और मैंने तो इसको भी नहीं पढ़ा और ना इसको पढ़ा, और मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, समझ गए। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये वाला जो सेंटेंस था अभी जो आपका गलत हुआ था, कौन सा वाला, यही हुआ था ना, कौन सा, शायद यही था, है ना। इसको बताता हूँ, देखो यहाँ से लास्ट से करके बताता हूँ। पीपल लिविंग है ना, पीपल लिविंग। अब पीपल लिविंग के बाद क्या आ सकता है वो देखते हैं। पीपल लिविंग ऑफ द 20th सेंचुरी, या पीपल लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, या पीपल लिविंग दैट, या पीपल लिविंग आर एमिनेंटली। तो आपने को समझ में आता है कि पीपल जो है वो रहते हैं कहाँ पे, रहते हैं इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। मतलब एक जोड़ा मिल गया मेरे को और वो मिला आर क्यू। आर क्यू ढूंढता हूँ मैं, हेलो भैया आर क्यू, एक्सक्यूज मी, कहाँ हो आप। तो यहाँ पे देखो एक आर क्यू दिखा, यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं, यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं, और यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, आया मजा जिंदगी का ऐसे। तो अपने को जो है दिमाग लगाना है कि जोड़े जोड़े मिलाना है ना। तो जोड़ा ऐसे मिल गया मेरे को कि यहाँ पे लिविंग इन द वेस्टर्न, मतलब मेरे को आगे से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से व्यवस्था बैठ गई। आर क्यू, ये आर क्यू वाले अगर दो मिल जाएंगे तो मैं फिर और कुछ ढूंढूंगा। अगर आर क्यू वाले दो मिलेंगे तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि मेरी किस्मत बढ़िया है तो मुझे पता है कि मुझे और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि मेरा सिलेक्शन इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। और जिसको ये विश्वास नहीं है, जिसको ऐसा लगता है कि इतने तो फॉर्म भरा है, इतने तो लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो फिर तो उसका कुछ नहीं हो सकता। बस ये सोचो कि इस दुनिया में मैं अकेला हूँ, बस मेरे अलावा कोई है ही नहीं, ना फॉर्म मैंने ही भरा है, ना सिलेक्शन भी मेरा ही होगा, और तनख्वाह मेरे खाते में आ जाएगी, बात खत्म। अब पूरी दुनिया को लेके चलोगे, है ना, तो फिर तो इतने विचार आएंगे पूछो ही मत आपके दिमाग में। अगला प्रश्न देखते हैं जरा, ये लीजिए, ये तो हो गया था। अब ये थोड़ा सा अलग डिजाइन का आंसर आ गया है, लेकिन आप इसको कर लेंगे। अब इसमें मैंने थोड़े ऑप्शन बढ़ा दिए हैं, है ना, ऑप्शन मैंने 1 2 3 4 5 कर दिए, ठीक है, ताकि थोड़ी और मेहनत आपकी लग जाए। चलिए बताइए। मेरे ऐसे एक रिश्तेदार ने, मतलब बहुत पुरानी बात है, तो एक बार पिताजी खड़े थे, बोले क्या होगा तुम्हारा, तो मैंने उस समय थोड़े से भावुक होकर मैंने कहा एक दिन बात करेंगे। तो कि क्या बात करेंगे, मैंने कहा करेंगे एक दिन बात। अब वो बात ही करने नहीं आ रहे है ना, तो अपना अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि करेंगे एक दिन बात, चिंता मत करो, समय वक्त आने दो, ठीक है, वक्त हर बात का जवाब देगा। अभी मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता क्योंकि अभी उसके लायक ही नहीं हूँ, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन वक्त आएगा उस दिन फिर बात करेंगे, और उस दिन वो आपसे बात करने आएगा ही नहीं फिर। हाँ अब मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, अब मुझे ये बताओ, हाँ आप क्या बता रहे थे भैया, इसमें थोड़ा सा उल्टा है ना, इधर है ए बी सी डी है ना, तो अपने हिसाब से देख लेना। अच्छा एक बात तो पक्की हो गई कि पहला तो यही आ रहा है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, तो इससे मैं ऑप्शन मेरे पहले मेरे ऑप्शन काट दूं, ठीक है, जैसे ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, आधी टेंशन तो खत्म करूं। अब मुझे एक चीज़ और पता चल रही है, वो ये है कि ए के बाद अगर सी या डी ये पकड़ में आ जाए तो मेरा काम हो जाए। तो ए के बाद सी या डी, तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ यूनिक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया इन द मेरीन ट्रेंच। हाँ ये जम रहा है मुझे लग रहा है, एक और बार उसको भी पढ़ के देख लेता हूँ। तो ये तो मेरे जम गया, मैं उसको भी पढ़ के देख लेता हूँ। तो फिर लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ओशियन। अब मुझे एक बात बताओ, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया तो वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ ओशियन, या फिर अ यूनिक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया इन द, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि सही कौन सा हो रहा है आपका, थर्ड नंबर वाला। और फिर भी मान लो कन्फ्यूजन हो तो एक बार एक काम करते हैं अपन, थर्ड वाला
जो है वो उसमें क्या है पूरा चेक कर लेते हैं। ए के बाद सी आ रहा है आपका कि अ यूनिक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया इन द मेरिन ट्रेंच द, ठीक है। इसके बाद डी ले रहा है वो, द डीपेस्ट। हाँ, अब मुझे ग्रामर आती है, और ग्रामर आती है तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि मुझे पता है कि देखो एक और स्कीम बताता हूँ, ये डीपेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि चूंकि यहाँ पे डीपेस्ट है तो मैं सबके घर जा जा के द ढूंढ के आ जाता हूँ कि द कहाँ है। तो द आपके पास है भैया? नहीं है। ओके बाय बाय। आपके पास नहीं है? ओके टाटा। आपके पास भी नहीं है? ओके। आपके अपन तो अपने घर वाले ही हैं। अच्छा, इसके पास है, तो इसका मतलब एक चीज़ पक्का हो गई कि सी के बाद डी आएगा। तो सी के बाद डी आएगा, तो सी के बाद डी यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब कि फाइनली तीन वाला पक्का ही हो गया। अब तो समझ गए, ये ग्रामर इस तरीके से आपको काम आएगी। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब देखो और बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ट्रिक से हो जाता है, आराम से हो जाता है। देखो चीजें पढ़ के जाओगे तो आराम से बनेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। हाँ ये बताना जरा। हाँ अब ये आखिरी है ये आज का, तो इसको तो कम से कम सही बता दो। चलो अपन देख लेते हैं, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। सबसे पहले तो एक चीज़ तो पक्की हो गई कि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी, इससे होगी, टेक्नोलॉजिकल सोमनाबिलिज्म, सी वाले से, पक्की बात है। हाँ अब यहाँ पे सी दो जगह आ रहा है, एक में भी आ रहा है, पांच में भी आ रहा है, ठीक है। तो बाकी देखो ना तो कॉन्सेप्ट से शुरू होगा, ना फिलोसॉफी ऑफ टेक्नोलॉजी से होगा, है ना, ना टॉकिंग से होगा। तो मतलब सी और एक और पांच। अब मैं देखता हूँ सी के बाद ए तो दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब सी के बाद ए तो पक्का है। टेक्नोलॉजी सोमनेबुलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड व्हेन, अब व्हेन के बाद देखना पड़ेगा, व्हेन के बाद फिलोसॉफी ऑफ टेक्नोलॉजी या व्हेन टॉकिंग अबाउट, व्हेन टेक्नोलॉजी सोमनेबुलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट द फिलोसॉफी। अब यहाँ पे एक स्कीम बताता हूँ, जब भी ऑफ से दो नाउन को जोड़ा जाता है, सुनो, जब भी ऑफ से दो नाउन को जोड़ा जाता है, हर वाले हर क्वेश्चन में मैंने आपको ग्रामर का रूल तो बताया ही बताया, जब भी ऑफ से दो नाउन को जोड़ा जाता है तो उनके पहले द लगता है। क्या लगता है? द। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता है कि इसके पहले वाला सेंटेंस में पीछे द होना चाहिए। पीछे द आपके पास है? नहीं है। आपके पास है? नहीं है। आपके पास है? हाँ है। तो इसका मतलब कि पहले डी आएगा, उसके बाद बी आएगा, तो डी बी ढूंढ लो। डी बी कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, ये तो वैसे भी चले गए बेचारे, ज़िंदगी ख़त्म इनकी। तो इसका मतलब कि ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलो समझ गए? तो ये इस प्रकार से आपके पी क्यू आर एस के क्वेश्चन आएंगे। कल की क्लास में और हम पी क्यू आर एस के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, और आपके कोर्स में भी और वीडियो अपडेट करेंगे इसके पी क्यू आर एस के, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है भैया। चलिए क्लासेस रोज देखते रहिए,